नमस्कार, हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल ने अभी भी एक अनाउंसमेंट की है कि खाने पीने के लिए कि दिल्ली में नहीं होगी खाने पीने की दिक्कत। घर से ही मोबाइल पर ऐसे ई पास बनवाए दुकानदार। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 5 नए केस आए हैं जिसमें से एक विदेशी नागरिक है। दिल्ली में अब 35 केस हो गए हैं और हमें किसी भी हालत में इसे बढ़ने नहीं देना है। सीएम केजरीवाल ने ई सिस्टम पास कर दिया है, उसमें आपको ई पास के लिए 1031 नंबर पर कॉल करनी होगी। ऐसे महामारी कोरोना वायरस के कारण देश 21 दिनों तक लॉकडाउन हुआ है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली में कई लोग परेशान दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों की परेशानी को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी मेहनत में ई पास सिस्टम लागू किया। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की सप्लाई में कोई कमी ना आए, इसलिए ई पास का सिस्टम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई पास व्हाट्सएप पर ही आ जाएगा। ये ई पास उन्हें दिया जाएगा जो जरूरी सेवा से जुड़े हैं, लेकिन उनके पास कोई आईडी नहीं है। इसके लिए इन्हें 1031 नंबर पर कॉल करना होगा। कोरोना कमांडोज का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें। इसके अलावा सीएम ने बताया कि कुछ मकान मालिक नर्स और डॉक्टर को मकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं। मकान मालिक उन्हें बीमार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे कोरोना वायरस फैला रहे हैं। सीएम ने कहा है कि ऐसी चीज़ों की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान ना करे अगर उनके घर से किसी को संक्रमण होता है तो कोई और नहीं, वही आपको बचाने आएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 5 नए केस आए हैं जिसमें से एक विदेशी नागरिक है। दिल्ली में अब 35 केस हो गए हैं, हमें किसी भी हालत में इससे निपट नहीं होगा। कोरोना पर फुल कवरेज के लिए भी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे मिलेगा कवरेज ई पास। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि जरूरी सामानों का ट्रांसपोर स्टोरेज दुकान में काम करने वाले वे लोग जिनके पास सरकारी या प्राइवेट आईडी नहीं है उनके लिए ई पास जारी किए जा रहे हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर रहे हैं, वो 1031 पर कॉल कर सकते हैं। दुनिया भर में 18,000 से अधिक मौतें हुई हैं कोरोना के बढ़ते चलते मामले में। पूरे देश में एक तरह से कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है ताकि इस जानलेवा वायरस के प्रसार को रोका जा सके। पूरी दुनिया में जानलेवा कोरोना से अब तक 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3.5 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। अच्छा, अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। धन्यवाद।